वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज कमेंट सेक्शन में आपके एमएसटी सीटी के परसेंटाइल मुझे बताओ। चाहे आपके 5 आए होंगे, 10 आए होंगे, 15 परसेंटाइल आए होंगे, 50 आए होंगे, 90 आए होंगे, 99 आए होंगे, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। आपके लिए कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइबर के कमेंट्स ही दिखते हैं, ओके। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, उसके बाद कमेंट करना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाना। वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूं मैं, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन प्रोसेस के डॉक्यूमेंट जो भी है वो वहां पर आएंगे, ओके। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले रिगार्डिंग योर एमएसटी सीटी 2023 कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ आपका बढ़ने वाला है, घटने वाला है, कितने परसेंटेज से बढ़ेगा, कितने परसेंटेज से घटेगा, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना, ओके। और एमएसटी सीटी 2023 का जब से सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मतलब 2022 में, ओके, तब से मैं आपके साथ हूं। जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता कॉलेज में, कॉलेज में एडमिशन होने के बाद प्लेसमेंट तक मैं आपके साथ रहूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने काउंसलिंग फॉर्म डाल दिया है, जल्द से जल्द आपको काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर देना है। जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे, आपको महाराष्ट्र की नंबर 1 कॉलेज लिस्ट मेरे काउंसलर्स आपको देंगे, ठीक है। वो कॉलेज लिस्ट आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपके ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एनटी है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर आप जनरल हो, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है, कौन सी सिटी में आपको कॉलेज चाहिए, कौन सी ब्रांच में चाहिए, सारे डेटा को एनालिसिस करने के बाद एक इफिशियंट कॉलेज लिस्ट आपको बनेगी। और वही कॉलेज लिस्ट आपको कैप राउंड में सबमिट करनी है। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपके कम परसेंटाइल भी आए तो भी आप एक बेटर कॉलेज में जाओगे, ठीक है। लास्ट ईयर से बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एक ही चीज अच्छे से की, लास्ट मोमेंट पे कॉलेज लिस्ट प्रेफरेंस अच्छे से लगा लिए। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो एक घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे आके एक गलती कर दी, कॉलेज लिस्ट की सिक्वेंस नहीं लगानी आई, कॉलेज लिस्ट कौन से कॉलेजेस डालने वो नहीं पता, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, 50% काम अभी भी आपका बाकी है। और ये वही काउंसलर है जिन्होंने सीयूपी, यूजीटी, अवालचंद, पीआईसीटी किया, जिसमें कॉलेजेस में न्यूटन एजुकेटर्स के लास्ट 4 साल से स्टूडेंट भेज रहे हैं। आप भी जाओगे, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं 20% और आप सीओपी में जाओगे, ये होप, झूठे होप नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन 20% के अकॉर्डिंग जो 100 कॉलेजेस है ना महाराष्ट्र के, उसके पहले 5 कॉलेजेस में, पहले 2 कॉलेजेस में आप जाओगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि कॉलेज लिस्ट ही उस प्रकार से बनाएंगे, कॉलेज की प्रेफरेंसेस ही उस प्रकार से डालेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, कितने सीट्स नेक्स्ट राउंड में वैकेंट होने वाले वो भी पहले से हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज लिस्ट हम एक ही बार अपलोड करते हैं, ओके, बाद में वही बच्चे अपलोड करते हैं कॉलेज लिस्ट सेकंड थर्ड राउंड में, जिनको कोई कॉलेज नहीं मिलता, ठीक है। अदरवाइज अपने आप वो शिफ्टिंग होती रहती है, ओके। तो आपको कुछ भी डाउट है काउंसलर से पूछ लो, वो आपके लिए बैठे, ठीक है। तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। कट ऑफ बढ़ता है और घटता है एक दो चीजों की वजह से, जैसे कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए, नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स बढ़ गई, नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स कम हो गई, उसके केस में कट ऑफ कम ज्यादा होता है। बहुत सारे पेरेंट्स टीचर्स ये बोल रहे कि सर इस बार परसेंटाइल कम हो गई ना, हमारे बच्चे की परसेंटाइल कम आई है तो कट ऑफ कम हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होगा, ठीक है। आपको मैं एक लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की कम परसेंटाइल आई है मुझे पता है, ओके, लेकिन उसके कट ऑफ पे क्या इफेक्ट होगा ये भी जान लो। परसेंटाइल निकली आपकी आपकी है कि नहीं, मतलब 100% वाला एक बच्चा होगा, 99.9999% वाला एक बच्चा होगा, 99.9888% वाला एक बच्चा होगा। हर एक परसेंटाइल के लिए एक एक बच्चा तो एटलीस्ट होगा, सेम परसेंटाइल वाले बच्चे भी होंगे, लेकिन हर एक परसेंटाइल के लिए एक एक बच्चा तो एटलीस्ट होगा। मान रहे हो आप ये चीज़, एग्री करते हो इस चीज़ के लिए। पिछले साल क्या था, पिछले साल भी हर एक परसेंटाइल के लिए एक एक बच्चा होगा, 100% के लिए एक बच्चा होगा, 99.9999% के लिए एक बच्चा होगा, 99.9998% के लिए एक बच्चा होगा, हर एक परसेंटाइल के लिए एटलीस्ट बोल रहा हूँ, एटलीस्ट एक बच्चा तो होगा। एग्री करते हुए इस चीज़ के लिए। तो मुझे बताओ, अगर लास्ट ईयर भी हर एक परसेंटाइल के लिए एक एक बच्चा अलोटेड था, इस बार भी एक एक परसेंटाइल के लिए एक एक बच्चा अलोटेड है, तो कट ऑफ कम ज़्यादा क्यों होगा परसेंटाइल से? सोचो ना आप, जो आपको क्रिएटर बता रहे हैं, यूट्यूबर बता रहे हैं, आपको गूगल बता रहा है कि कट ऑफ बढ़ जाएगा घट जाएगा, आप खुद का भी तो दिमाग लगाओ। गूगल तो नहीं बताता, लेकिन गूगल पे लोग ही आर्टिकल डालते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। कट ऑफ बढ़ेगा घटेगा क्यों, आप मुझे बताओ तो सही इसका रीजन। ये मार्क्स नहीं, ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल में आपका कट ऑफ घटेगा कम होगा ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। अगर कॉलेज को 60 स्टूडेंट चाहिए कॉलेज को, तो कॉलेज क्या बोलेगा, 99 से लेकर 100% तक दे दो भाई, जिसमें से जो 60 स्टूडेंट होंगे वो हम ले लेंगे टॉप 6, उसमें से टॉप 60 कॉलेज ले लेगा। तो आप मुझे बताओ कट ऑफ कम क्यों होगा? अगर कोई कॉलेज डीवाई पाटिल सपोज मान लो, या फिर वीआईटी मानते हैं, ठीक है, या फिर पीआईसीटी, कोई भी कॉलेज ले लो। वीआईटी कॉलेज ने लास्ट ईयर कट ऑफ दिया था अपना 98 पे, उसने क्लोज किया था सपोज मान लो 98% पे। इस बार कॉलेज क्या करेगा, कॉलेज कट ऑफ 98 का लगाएगा, 98 के ऊपर जो 60 स्टूडेंट्स हैं उनको ले लेगा, अगर उनका 60 का इंटेक हो तो कट ऑफ कम का हुआ, या फिर कट ऑफ घटा क्यों? थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा सिस्टमेटिकली सोचिए। सिर्फ आप न्यूज़, अफवाह या फिर फेक न्यूज़ के प्रति मत जाइए, आपको खुद का दिमाग लगाइए, लॉजिकल आप सोचिए चीज़ों को। कट ऑफ नहीं बढ़ेगा ना कि कट ऑफ घटेगा, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने सीट कम ज़्यादा कर दी तो उस वहाँ पे कट ऑफ आपका घटेगा। जैसे कि देखो, पीआईसीटी में जाने की आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि दो
ब्रांचेस ऐड हो गई, मतलब सीट्स बढ़ गए, सीट्स बढ़ गया तो पीआईसीटी का कट ऑफ क्या होगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि दो ब्रांचेस के स्टूडेंट्स भी उसको लेने हैं, समझ रहे हैं? तो पीआईसीटी का वहां पे एक पॉइंट कुछ कम हो जाएगा क्योंकि और स्टूडेंट्स उसको लेने हैं, समझ रहे हो? तो कट ऑफ बढ़ता घटता किस वजह से, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, एक तो नंबर ऑफ सीट्स कम ज्यादा हो गई। परसेंटाइल कितने आए उसके परसेंटाइल के हिसाब से कट ऑफ कम ज्यादा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं। अब मैं पेरेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ, आपको ये जहाँ पे चीजें दिखी होंगी ना कि कट ऑफ इस बार बढ़ जाने वाला है, घट जाने वाला है, इन सब अफवाह, ये फेक न्यूज है, इनके ऊपर ट्रस्ट मत रखिए आप, ठीक है? आप अगर मेरी बात आपको समझी होगी, मैंने लॉजिक आपको बताया, ठीक है? आपको एग्री नहीं होंगे लॉजिक के लिए तो मुझे उसका जस्टिफिकेशन दो कि हम आपके लिए एग्री नहीं है, कि उसका रीजन बताओ मुझे कि क्यों नहीं एग्री, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी चीज को एग्री होते हो तो उसके पीछे का रीजन होता है, किसी चीज के लिए डिसएग्री होते हैं तो उसके पीछे का रीजन होता है। और सिर्फ कट ऑफ बढ़ेगा ये सुन के खुश मत हो या खुश मत होना, या फिर कट ऑफ घटेगा ये सुन के खुश मत होना, सोचो कि क्यों कम होने वाला है, सोचो कि क्यों बढ़ने वाला है, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी यार। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ मान लेना है चीजों को, मुझे मेरा काम है आप तक क्लैरिटी पहुंचाना, वो मैंने पहुंचाई, ठीक है? और देखो जो चीजें होनी थी वो हो गई, कम परसेंटाइल आने थे आ गए, अभी 50% जो गेम बाकी है काउंसलिंग का उसको अच्छे से आपको करना है, कॉलेज लिस्ट बहुत अच्छे से बनानी है, ठीक है? कॉलेज लिस्ट अच्छे से बनाने के बाद मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको लो लेवल का कॉलेज कहीं पे मिल रहा होगा ना तो कॉलेज लिस्ट बनाने से एटलीस्ट लो टू मीडियम जाएगा, या फिर मीडियम लेवल कॉलेज आपको मिलेगा। ऐसे ऐसे फेक चीजें मैं आपको बताऊँ क्या, कि आपके 35% है बेटा आपको COEP तो मिल ही जाएगा, ये चीज बताओ क्या मैं आपको? नहीं, ये गलत है कि नहीं? क्योंकि मैं सुन रहा हूँ वो चीजें आजकल, मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ वो सब चीजें, क्योंकि इसलिए आपके साथ गलत होता है, मैं इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो भी चीज़ आप सुन रहे हो, किसी का भी आप सुन रहे हो, तो उसके पीछे लॉजिक बैठना चाहिए, उसके पीछे कुछ थ्योरी होनी चाहिए, है कि नहीं? चीज़ें थी यार आज के वीडियो में। अगर वीडियो जेन्युइनली आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है? क्योंकि आप तक क्लियर कट चीज़ें पहुँचाना मेरा काम है, क्योंकि मुझे पता है यार बहुत सारे बच्चे रूरल एरिया में रहते हैं, मतलब ग्रामीण एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो चैनल स्टार्ट करने का पीछे का जो उद्देश्य था ना वो यही था कि जो लोअर सिटीज़ के बच्चे हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए, है कि नहीं? तो यही सारी चीज़ें थी आज के वीडियो में। अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करो, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप, बाय, टेक केयर।